लेकिन सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिजनेस साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि ये है पेपर जो है तो हाई स्कूल कक्षा 10 2016 का है, हिंदी विशिष्ट का है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है। एनुअल बोर्ड का है ये। सीरियल नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 8, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 है ना। तो यार ये आपके वार्षिक परीक्षा में तैयारी के लिए कुछ खास होगा। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करके 480 पिक्सल्स प्लस कर लें, है ना, इससे अधिक करें ताकि आपको क्लियर एवं स्पष्ट दिखे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम 100, जैसा कि मैंने बताया। एमपी बोर्ड का ही तो निर्देश दिया गया है, सब कुछ इसमें बताया गया कि कितने अंक के प्रश्न को कितने शब्दों में करना है। प्लीज टर्न ओवर, पीटीए लिखा है। चलिए इधर देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। तो जैसे बिंदी बिंदी को हमारे देश के लेकर 16 का लगातार, तो कृष्ण को। नीति का जीवन विहार को सुगम बनाने का आधार, सुगम इसमें हो जाएगा। कलकत्ता में प्लेग फैला था। दीर्घ समास का उदाहरण पंचवटी है। यूं पहला पद संख्यावाची होनी चाहिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। दूसरा है, निखित प्रश्न 2, निखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। लोक संस्कृत का जन्म हुआ गाँव में। हिमालय से किया आ रही है पुकार। महाजन का नाम क्या था, ज्वाला प्रसाद। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। निधन चय निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। क्वेश्चन 3 देखिए, लिखित वाक्यों में सत्य सत्य लिखिए। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। ये सभी यार बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी चेक किया है बुक से, है ना, तो सत्य है। दूसरा है, कवि मेन्यू अनंत नियत से प्रश्न करते हैं, सत्य। नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है, असत्य। अमरकंटक है शायद। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कमल है, ये असत्य है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, ये सत्य है। क्योंकि यार आपके जो बोर्ड है, प्री बोर्ड है, हाफ ईयरली है, उसमें इससे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और बोर्ड के लिए स्पेशली तो आपको यार, जैसे कि 2020 में देंगे तो आपको 2019, 2018, 2017, 2016 तक के 4 पिछले 4 वर्षों के पेपर्स के आपको अच्छे से रिपीट कर लेना है, उनके क्वेश्चन आंसर को देख लेना है ना, क्योंकि सब उसी से आता है, कहीं नया नहीं ना आता है। लिखित वाक्यांशों की सही जोड़ी बनाइए। परंपरा बनाम आधुनिकता का हो जाएगा ये विचारात्मक निबंध है ये। नागार्जुन का हो जाएगा बादल को घिरते तो देखा। अतिशयोक्ति अलंकार यानी लोक सीमा का उल्लंघन। थके हुए कलाकार से धर्मवीर भारती, कम जानने वाला अल्पज्ञ। इसी तरह प्रश्न 5 देख लीजिए, लिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में लिखिए। मातृभूमि का मान किसने रखा, वीर सिंह ने। निंदक करने वाला क्या कहलाता है, निंदक। कांटे की मर्यादा क्या है, कांटे की मर्यादा उसके कठोर एवं तीखे होने में है। वत्सल रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9। एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 अंक। पुष्पमंक 6 है, 2 अंक के हैं। स्तुति खंड में जायसी ने कितने दीपों और भुवनों की चर्चा की है, अथवा कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा। पुष्कर 7 है, आक्रोश में आकर मजदूर ने क्या किया, अथवा चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। पुष्कर 8 है, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है, अथवा कामायनी के नायक एवं नायिका का नाम बताते हुए इसके रचनाकार का नाम बताइए। पुष्कर 9, बिना विचारे कार्य करने वालों का क्या परिणाम होता है। यार सबसे पहले बता दूं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सभी आपको अटेंड करने हैं। आपने जो कोर्स में क्लास में पढ़ा है वो सब अपने शब्दों में लिखना है ना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, भले ही ना बनता हो कुछ लिखना है। अथवा स्वाधीन जगत में कौन जीवित रह सकता है। कभी पदमाकर के अनुसार वनों और बागों में किसका विस्तार है, अथवा नई सभ्यता कविता के कवि का नाम बताते हुए नई सभ्यता के स्वरूप को बताइए। प्रश्नांक 11 है, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है, अथवा आधुनिकता संप्रदाय का विरोध क्यों करती है। प्रश्नांक 12 है, आपका नाम बाजरा तो नहीं, यह कथन किसने किससे पूछा, अथवा गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है। प्रश्नांक 13 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन दो समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है, अथवा असत्य किन स्थितियों में सत्य से बड़ा हो जाता है। प्रश्नांक 14 है, ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए, अथवा सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी। प्रश्नांक 15 है, लिखित वाक्यों के निर्देशन अनुसार परिवर्तित कीजिए। मोहन दिल्ली में रहता है, निषेधवाचक सीता गाना गाती है, विस्मयादि सूचक, अथवा लिखित समूह शब्दों के लिए एक शब्द। नीति का बोध कराने वाला वाक्य, ठेका लेने वाला ठेकेदार है ना, ये देख लीजिए। प्रश्नांक 16, महाकवि खंड का कोई दंत लिखिए, अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। प्रश्नांक 17 है, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, कथन की योजना कीजिए, अथवा अमरनाथ एक सच्चा मित्र क्यों कहा गया है।
अठारह के शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए भरपेट माखन चोर नीलकमल अथवा लिखित शब्दों को संधि करते हुए संधि का नाम लिखिए पर धन उपकार जगत धन इस तो जगदीश हो जाएगा इसका व्यंजन संधि हो जाएगा हिम धन आलय हिमालय हो जाएगा देव स्वर संधि पर धन उपकार का देख लीजिएगा परोपकार ये भी देव स्वर संधि हो जाएगी शायद वो क्रोध तिलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए उन्नीस अथवा हरिगीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए स्तंभ बीस नई कविता की दो विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखिए अथवा रेतिकाल की चार विशेषताएं लिखिए स्तंभ इक्कीस है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए हिंदी साहित्य के दो निबंधकारों के नाम लिखिए अथवा रिपोर्टाज किसे कहते हैं कोई दो लेखकों के नाम लिखिए प्रश्न 22 है तुलसीदास अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्यगत विशेषताएं लिखित बिंदु के आधार पर लिखिए दो रचनाएं भावपक्ष छलापक्ष साहित्य में स्थान प्रश्न 23 राम वृक्ष वेणीपुरी अथवा कन्हैयालाल मिश्रभागर का साहित्यिक परिचय लिखित बिंदु के आधार पर लिखिए दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान 24 सही देख लीजिए अवगत संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है तो इसमें से आपको संदर्भ लिखना है प्रसंग लिखना है व्याख्या और विशेष भी लिखना है ये काव्य सौंदर्य प्रश्न 25 में देख लीजिए इसमें भी इसी तरह संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष लिख देना कि किसमें कौन सा क्या हुआ है ना प्रश्न कहूँ ताकि अच्छा इंप्रेशन बनता है प्रश्न 26 से देख लीजिए गद्यांश पढ़कर इसका लिखना है ऊपर गद्यांश कुछ ही शीर्षक तो आप हमेशा अब अच्छी जिंदगी जीते रहे हैं तो शरीर अनमोल तो यदि अनमोल शरीर है शरीर का महत्व है ना शीर्षक हो जाएगा 127 से स्थानांतर प्रमाण पत्र के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखे अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए इधर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 28 है अब देख लीजिए पहले इसको लिखिएगा रूपरेखा इसके बाद इसको लिखना है आपको है ना ताकि ये छूटे ना तो यार वीडियो फाइल लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें थैंक्स वॉचिंग वीडियो है ना।